हाय फ्रेंड्स, तो देखो आज वीडियो रे आमे देखिबा ओएसटेट रो केमिस्ट्री एंड मैथ क्वेश्चन रो आमे एमसीक्यूज गुडा करो सॉल्यूशन को देखिबा पूरा डिटेल्स रे डिस्कस करिबा कि केमती तार आंसर होउची एंड कोटा सटीक आंसर हबो। ठीक अछि, सो एटी मु आपन मन को जते भी क्वेश्चन गुडा को कहबी गुडा को अनऑफिशियल आंसर हे पारे, कोटी मु जदि कैलकुलेशन रे गुटे दुटा मिस्टेक करबी सेटा को नेग्लेक्ट करबे, बट आंसर गुडा को आपन मन को सब गुडा को करेक्ट अछि। ओके, सो देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन एटा होची सेट डी पेपर, तो एटी मु जो जो सेट सॉल्व करची सेटा होची सेट डी। तो जदी आपण मनकर अलगा किछि सेट अछि तो आपण माने क्वेश्चन गुडा को देखि नियंतु, से अनजे आपण माने आंसर को मैच कर लेबे। ठीक अछि, आ एठी जो जहां भी आंसर कराई छे ताकू नेग्लेक्ट करबे, काहे कि ना एठी भूल भी अछि ठीक भी अछि। ठीक अछि, तो देखो तो हमरो फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहै छे। फर्स्ट क्वेश्चन रहै छे इन ए वेसल 4 ग्राम ऑफ O2, 4 ग्राम ऑफ H2 एंड 4 ग्राम ऑफ N2 एंड 4 ग्राम ऑफ Cl2 आर प्रेजेंट। से कोची गोटे वेसल रे 4 ग्राम हमको O2 दिया छे, ऑक्सीजन दिया छे, 4 ग्राम हमको हाइड्रोजन दिया छे, 4 ग्राम हमको नाइट्रोजन दिया छे एंड 4 ग्राम रो हमको क्लोरीन दिया छे। तो से कोची व्हिच ऑफ दिस गैसेस हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, कोथरे अधिक नंबर ऑफ एटम्स रहै छे। ठीक अछि, तो हमें वन बाय वन फाइंड करके देखिबा। देखो ओ टू दिया है माने कौन, एटा होची ओ टू मॉलिक्यूल्स। तो आपण माने जानिथिबे ओ टू मॉलिक्यूल्स रो 1 मोल जदि हमें ओ टू मॉलिक्यूल्स नबा तो तारो मॉलिक्यूलर मास केते हेते 32 ग्राम हेते, यस और नो? काहे कि ना 1 कार्बन सॉरी 1 ऑक्सीजन रो केते हेते 16 ग्राम, सो 2 ऑक्सीजन रो हिजबो 32 ग्राम। आउ 1 मोल जेतेबेळे हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नबा किमा कोनोसे भी हमें जिंस नबा तो सेतेबेळे जति की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थाए तो सेडो को आज एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.623 सॉरी 6.023 इनटू 10 टू द पावर ऑफ 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हे जबो, यस और नो? मॉलिक्यूल्स हे जबो इति की, तो याकू डिनोट करा जाए कैपिटल एन द्वारा डिनोट करा जाए। तो हमें कहि परबा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रे एन नंबर ऑफ हमको मॉलिक्यूल्स देखिया पय मिलबो, बट से हमको एटम्स कथा कहि छी। तो देखंतु गोटे जदि मु ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नउ छी सेतरे दीटा एटम्स रहै छी, तो जदि मु सपोज करंतु एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने भी तो सेतरे केतोटी नंबर ऑफ एटम्स आसीबो, 2n नंबर ऑफ एटम्स आसीबो ना नाही? तो मु एठी कहि परबी ताहले 2n नंबर ऑफ एटम्स कहि परबी। ठीक अछि, वर्तमान देखंतु ताहले 32 ग्राम पई जदि 2n नंबर ऑफ एटम्स आसीला ताहले 4 ग्राम पई आपण माने आराम से काढी परबे, तो 4 ग्राम पई केते आइजबो ताहले 2n डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 4 कर देबे तो n बाय 4 आसीबो। ठीक, तो एटा हे गेला हमरो कहा पई ना ऑक्सीजन पई n बाय 4 नंबर ऑफ एटम्स आसीला। तापर आमे बाहर करबा कहा पई हाइड्रोजन पई, तो हाइड्रोजन पई सेही बडा देखंतु हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 मॉलिक्यूल्स रो मॉलिक्यूलर मास होची 2 ग्राम, तो एथिरे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहइबो, तो जेहेतु हमको एटम्स दरकार तो एटे मु 2n करि परबि, यस और नो? तो वर्तमान मु जदि एटु बाहर करबि 4 ग्राम तो एटा केते हिजबो डबल हिजबो दैट इज 4n नंबर ऑफ एटम्स रहइबो। तो एठी हमें पाइले केते n बाय 4 पाइले, एठी हमें पाइले केते 4n पाइले। तापर थर्ड टा देखंतु कोन दिया हिची 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन रो जदि हमें देखिबा देखंतु n2 रो मॉलिक्यूलर मास होची केते, n2 रो मॉलिक्यूलर मास होची 28 ग्राम। ठीक अछि, 28 ग्राम, तो एथिरे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते हिजबो n हिजबो और नंबर ऑफ एटम्स केते हिजबो 2n हिजबो। तो हमको जदि दरकार सपोज करंतु 4 ग्राम तो एथिरे केते आसीबो ताहाले 2n अपॉन 7 आसीबो। तापर मु जदि बाहर करबी कहा पई ना सेटा होची हमरो क्लोरीन, तो Cl2 रो मॉलिक्यूलर मास केते आसीबो सेटा आसीबो 34 ग्राम, काहे कि ना गोटे रो 74 हेते सॉरी 17 हेते, तो 34 ग्राम जदि हि गला एथिरे n हिजबो तारो मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स केते हिजबो 2n हिजबो। तो एठी जदि हमें बाहर करबा कहा पई 4 ग्राम पई बाहर करबा, तो 4 ग्राम पई केते आसीबो ताहाले देखंतु 4n डिवाइडेड बाय 17 आसीबो। तो ए जो चारटा में बाहर करले तो देखंतु सबुथरे हाईएस्ट कोथरे अछि, हाईएस्ट जदि आपण माने देखिबे देखंतु 4n टा हाईएस्ट अछि, बाकी सबुथरे कोन की रहिछि डिवाइड की रहिछि किछि ना किछि। तो डिवाइड जते भी थिबो आपण मानकर जते भी डिनोमिनेटर रे नंबर रहबो से उडा को सब बेले कोन हेते छोटो हेते, ताहाले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कोठी हमको देखिया पाए मिलबो सेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रे देखिया पाए मिलबो दैट इज H2 हेजबो यार करेक्ट आंसर। ठीक अछि, सो ऑप्शन बी इज द राइट। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक अछि, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखन तो हमको कोन दिया छि, नेक्स्ट क्वेश्चन को मु जाउ छि वन बाय वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है छि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपण माने जदि पीरियोडिक टेबल रे देखिबे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होछि फ्लोरीन, फ्लोरीन रो
एटॉमिक नंबर हो 9, तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केते हेते 1s2 2s2 2p5 हेते। ठीक अछि, देखंतु 2 2 4 प्लस 5 केते गेला 9 हे गेला, तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केते आछि बताले ns2 np5। ठीक, तो एटा हे जबो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज ऑप्शन डी हे जबो यार करेक्ट आंसर। ठीक अछि, तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया छि 63 नंबर क्वेश्चन, द एलिमेंट्स हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कहार सबुठारु अधिक आयनाइजेशन एनर्जी आसीबो, तो एथिपाय आमको देखिया को पड़िबो। देखंतु आयनाइजेशन एनर्जी कथा मु जदि कहबि, आयनाइजेशन एनर्जी टा गोटे आमे जदि पीरियड रे जिबा, पीरियड माने कोन, लेफ्ट टू राइट जदि आमे जिबा, देखंतु लेफ्ट टू राइट जदि जिबा, ताहाले आमर कोन हेतै, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनक्रीज करितै, कोन हेतै, इनक्रीज करितै। तो एठी आपण मैंने देखंतु जहार कौन थी ना एटॉमिक नंबर अधिका थी, तो तार कौन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अधिका हम कमी, जदि आम देखा ये देखो फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई एनई 3s2 3p1, तो ये देखो एनई रेत एटॉमिक नंबर 10, ता सहित दुटा इलेक्ट्रॉन एड कर दिंतु, तो ये आपे 13, एटी के पाइबे, एटी आपने 15, कहीं 10 प्लस 5 15, एटी के आसला 14 आसला, एटी के आसला 16 आसला। तो देखो जदि आम पीरियड रे जिबा, प्रथमे आसिबो 13, तापर 14, तापर 15, तापर 16, तो सबुठारु अधिको राइट रे किया आसुछि सेटा आसुछि 16, तो जोटा 16 थिबो तारो कोन हे जबो आयनाइजेशन एनर्जी, किबा याकु कहा जाय आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिका हबो। ठीक अछि, सो दैट मीन्स एथरो जदि आम देखिबा कोटा हमरो सबुठारु अधिको आयनाइजेशन पोटेंशियल बा आयनाइजेशन एनर्जी दबो, दैट इज द ऑप्शन डी दबो। ठीक अछि, तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज द 64 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 64 नंबर क्वेश्चन कौन कौच, तो 64 नंबर क्वेश्चन कौन कौच, देखो नाइट्रोजन गैस इज किप्ट इन ए 1 लीटर फ्लास्क अंडर 100 किलो पास्कल प्रेशर एंड ऑक्सीजन गैस इज किप्ट इन अनदर 3 लीटर फ्लास्क अंडर 320 किलो पास्कल प्रेशर। तामने से कौच गोटे आम फ्लास्क नहीं जो थे कि नाइट्रोजन गैस टाक 100 किलो पास्कल प्रेशर रे रखिले, जो थे कि 1 लीटर तार वॉल्यूम नियाई, एंड सेकेंड गोटे आम फ्लास्क ने जो थे कि ऑक्सीजन गैस को रखिले, जो थे कि 3 लीटर तार वॉल्यूम अच्छी, बट से प्रेशर के 320 किलो पास्कल प्रेशर अच्छी। ठीक अच्छी, तापर देखंतु से नेक्स्ट कौन कौच, इफ द टू फ्लास्क आर कनेक्टेड द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस, जदि आम दुटा फ्लास्क को कनेक्ट करदेबा से रिजल्टेंट प्रेशर टा केते हेबो, एटा से कहूँ क्वेश्चन रे। ठीक अच्छे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटी जदि आपण माने पार्शियल प्रेशर काढ़े ताहले भी क्वेश्चन टे सॉल्व कर परबे, एंड विदाउट पार्शियल प्रेशर भी क्वेश्चन टे सॉल्व हो पारिबो। देखंतु आमे जदि सपोज करंतु P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट प्रेशर इनटू वॉल्यूम करबा, ताहले भी हमरो आंसर आसीबो। तो देखंतु एटी फर्स्ट रे प्रेशर केते अछि 100 एंड वॉल्यूम केते अछि 1, ता माने यार आंसर केते आसीबो 100 आसीबो, प्लस P2 V2 केते आसीबो 3 × 3 20, दैट इज 960 इज इक्वल टू प्रेशर जाना नहीं, बट वॉल्यूम के 1 × 3, कहीं दुटा को आम मिक्स करदे तो वॉल्यूम हो गला 4। बर्तमान देखो प्रेशर दरकार, तो प्रेशर इज इक्वल टू के 1060 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू हो 265 किलो पास्कल। ठीक अच्छे, सो यहाँ आपसर दैट इज ऑप्शन डी, तो यह भी आपने। ठीक अच्छे, आदि आपने पार्शियल फ्रैक्शन काढ़ी करते भी बहुत बढ़िया। ठीक अच्छे, ताहले भी आपण मानकर आंसर आसीबो, तो ऑप्शन डी हे जबो। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को मु जाउची, ओके 65 नंबर क्वेश्चन देखंतु कोन दिया हे जी, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.001 kg एंड मूविंग विद द वेलोसिटी 100 m/s इज गिवन बाय। ठीक अच्छे, आमको गोटे पार्टिकल दिया हे, तारो मास दिया हे, तारो वेलोसिटी दिया हे, डी ब्रोगली वेवलेंथ काढ़िया को पड़ो, दैट इज लामडा, लामडा इज इक्वल्स टू हो एच एम भी हो, एच बाय एम भी हो, एच रैल्यू होता है 6.62 × 10⁻³⁴ होता है, डिवाइडेड बाय के मास दैट इज 0.001, या लिखिपारे 10⁻³, वेलोसिटी को आपने लिखिपारे 10^2, तो ये आपने देखिए रिजल्ट के 6.62 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻¹, तो याकू या सहित जब आप कैनसल करेंगे देखो −34 −1 दैट इज इक्वल्स टू के −33 हो। ठीक, तो यार आंसर ताले के आसो देखो 6.62 × 10⁻³ मीटर आसो आपर वेवलेंथ, दैट इज ऑप्शन बी इज यार करेक्ट आंसर। बुझी आसा, तापर आसी जातु नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज
66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन हमको कौन कहुचि देखंतु, 66 नंबर क्वेश्चन हमको कहुचि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखंतु बॉइलिंग पॉइंट रो जो एलिवेशन टा हुए सेटा डिपेंड करे अपन मानकर आयनाइजेशन उपरे, मींस आई उपरे डिपेंड करे, ठीक अछि। तो एठी हमें देखिबा जो थरे आयनाइजेशन अधिक आबो सेठी अपन मानकर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अधिक आबो, जेंति अपन माने NaOH को देखिबे तो NaOH रो बॉइलिंग पॉइंट कोन हेजबो, Na प्लस OH माइनस, सॉरी आयनाइजेशन, एटा हला तर आयनाइजेशन। तो एठी आई रो वैल्यू टा केते होची, आई रो वैल्यू टा 1 होची, सेइत पई यार कोन हबो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कम हबो। तापर देखंतु Na2SO4 याकु जदि अपन माने ब्रेक करबे एठी देखंतु कोन आसीबो, 2Na प्लस एंड SO4 माइनस आसीबो, ता माने सॉरी SO4 2 माइनस आसीबो। तो एठी हमकु आयनाइजेशन केतोटी मिलला, केतोटी आयन्स मिलला, सेइ जनसोटा देखंतु एठी जेंति हमरो दुटा मॉलिक्यूल्स आसीला, एठी देखंतु Na दुटा एंड सल्फर गोटे, तो एठी आपण माने पाई गले केते, एठी आपण माने पाई गले 3टा आई रो वैल्यू पाई गले, तो आई इज इक्वल्स टू 3 हे गला। सेम टू सेम जदि आपण माने एठी करबे तो एटा पाइबे NH4 प्लस एंड NO3 माइनस, तो एठी आई इज इक्वल्स टू हे गला 2, एंड याकु जदि आपण माने ब्रेक करबे तो एठी पाइबे K प्लस एंड NO3 माइनस, आई इज इक्वल्स टू 2। तो आई रो वैल्यू टा अधिक सबटु कोठे हेला ना, एठी हेला, तो आयनाइजेशन टा एठी अधिक आउची, आयनाइजेशन जदि एठी अधिक आउची तो यार बॉइलिंग पॉइंट टा भी कोन हबो, अधिक हबो। That is option B is our correct answer. ठीक अछि। तापर जब नेक्स्ट क्वेश्चन को 67 नंबर क्वेश्चन को, तो देखो 67 नंबर क्वेश्चन हमको कौन दे छि, ठीक अछि गोटे मिनट, 67 नंबर क्वेश्चन तो 67 नंबर क्वेश्चन देखंतु कोन कहउची, द क्वांटम नंबर n एंड l फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। तो एटी n आउ l रो क्वांटम नंबर गुडा को दिया आइछि, माने वैल्यू गुडा को दिया आइछि, काहे कि ना आपण माने जानिथबे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आसी परिबो, ठीक अछि। तो वर्तमान देखंतु से कोन कहउची एटी क्वेश्चन रे, द ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक अछि, मींस समानकर एनर्जी गुडा को आमे अरेंज करबा लोएस्ट टू हाईएस्ट, दैट इज कम रु बेसी आमे अरेंज करबा, ठीक। तो वर्तमान आपण माने देखंतु जेतेबेले भी आमे एनर्जी को इंक्रीज ऑर्डर आमे लिखि थाउ, सेतेबेले आमे कोन करथाउ, अफबर रूल को फॉलो करथाउ। तो अफबर रूल कोन कहे ने, जोउतरे n प्लस l रो वैल्यू टा सबटा अधिक होबो तारो अधिक एनर्जी होबो, बट जेतेबेले n प्लस l दुटा आपण मानको समान हेजबो सेतेबेले देखिबा जोउतरे n टा कम थिबो सेटा कम एनर्जी, जोउतरे n टा अधिक थिबो सेटा अधिक एनर्जी होबो। तो एठी जदि आमे देखिबा देखंतु n प्लस l बाहर करबा, तो n प्लस l केते आसबो 1 प्लस 4 दैट इज 5, एटी केते आसीबो 4 आसीबो, एटी केते आसीबो 5 आसीबो, एटी केते आसीबो 4 आसीबो, बट एटी हमकु कोन करियार अछि, लोएस्ट टू हाईएस्ट हमकु अरेंज करियार अछि, ठीक अछि, लोएस्ट टू हाईएस्ट हमकु अरेंज करियार अछि। तो फर्स्ट कोटा आसीबो देखंतु हाईएस्ट कथा जदि हमें कहबा, हाईएस्ट एटा हबो काहे कि ना देखंतु 5 दीटा अछि, बट n रो वैल्यू आपण माने देखंतु n रो वैल्यू टा एटी अधिक अछि, ता माने एटा हिजबो, तो फर्स्ट टा हिजबो आपण मानको सबटा अधिका। तापरे कौन है जो सेकेंड रे जदि हमें देखिबा, सेकेंड हमरो कोड आसीबो, सेकेंड रे हमरो एटा आसीबो, ठीक अछि, मींस 3 एंड 2 आसीबो, दैट इज थर्ड पॉइंट आसीबो, बिट 3 टा आसीबो। तापरे कोड आसीबो, तापरे देखंतु 4 वाला आसीबो, तो 4 वाला आपण माने देखंतु 4 वाला कोठी अछि, दीटा अछि, ओके, एटा गोटे अछि, एटा गोटे अछि, बट सेतरे आपण माने n रो वैल्यू टा देखंतु अधिक कोठी अछि, एटी अछि, मींस सेकेंड रे अछि, तो सेकेंड टा आसीबो, तापरे के आसीबो, तापरे फोर्थ टा आसीबो। तो एटा हिजबो आपण मानकर कोन ना, एटा हिजबो ऑर्डर, दैट इज आम जदि लोएस्ट लिखिबा फर्स्ट फोर्थ टा आसीबो, तापरे सेकंड टा आसीबो, तापरे थर्ड टा आसीबो, तापरे के आसीबो 1 आसीबो, ठीक अछि। एटा हेगला लोएस्ट टू हाईएस्ट, दैट इज ऑप्शन डी इज वे आर करेक्ट आंसर, ठीक अछि। तापरे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 68 नंबर क्वेश्चन, ठीक अछि,
तो देखो 68 नंबर क्वेश्चन हमको कौन दिया है द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 4.2 ग्राम ऑफ MgCO3 वुड बी जेते बेला हमें कौन करबा 4 ग्राम MgCO3 को हीट करबा सेते बेले केते हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलबो सेटा से कोची तो सेति पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इक्वेशन डे लिखिया को पड़िबो तो MgCO3 रो डिकम्पोजिशन डे लिखिबे तो MgCO3 जदि ब्रेक हेबो सेतरो पाइबे मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2 पाइबे ठीक तो मैग्नीशियम जो MgCO3 अच्छी तो तारो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मास ते लिखंतु Mg रो होची 24 कार्बन रो होची 12 आउ ऑक्सीजन रो होची 16 तीनटा ऑक्सीजन अच्छी तो 48 तो एठी आपण माने पाइबे केते 84 ग्राम पाइबे ठीक अच्छी तो 84 ग्राम को जेते बेला हमें हीट करूचे सेथरो हमें केते ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड पाउचे सेथरो हमें पाउचे देखंतु लीटर रे दरकार तो लीटर माने केते रो पाउचे हमें 22.4 लीटर रो हमें पाउचे ठीक तो 84 ग्राम रो हमें एतिक पाउचे तो 1 ग्राम रो हमें केते पाइबा 1 ग्राम रो हमें बाहर कर परबा 22.4 डिवाइडेड बाय 84 तो 4 ग्राम 4.2 ग्राम रो आपण माने बाहर कर परबे 4.2 मल्टीप्लाई करबे तो यार वैल्यू कैसे आसो 1.12 लीटर आसो ठीक अच्छे मीन्स ऑप्शन सी हिज आमर करेक्ट आंसर ओके तो यहाँ आप मैंने कैलकुलेशन करने तो कैलकुलेशन मुझे ऑलरेडी कर सारी तो से डायरेक्टली देखेदेवि ठीक अच्छे तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आमको कौन दिखाई नेक्स्ट क्वेश्चन आमको दिखाई 69 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन से कौन कहूँगी व्हेन टू आइस क्यूब आर प्रेस्ड ओवर इच अदर मीन्स गोटे आइस क्यूब ऊपर जितेबाला आउ गोटे आइस क्यूब को रखी कि हमें कौन करिबा प्रेस करिबा सेतेबाले दीटा आइस क्यूब कौन हुआंती ना एका सांगरे चिपकी जानती तो से जो जिनसटा अपन मन को हुए तो सेटा कहा जगु हुए ना सेटा हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर और वाटर भीतर जो हाइड्रोजन बॉन्ड रही छि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हे से मन को भीतर जा जगु कि कौन हेते से माने परस्पर सहित अट्रैक्ट करती एंड लागिक रुहत ठीक अच्छे तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई आमको 70 नंबर क्वेश्चन ओके देखो 70 कौन कहती द सेफ ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल एटम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स इज तामने से कहूँ NH3 को जदि आम सपोज करूँ हाइब्रिडाइज करवा मीन हाइब्रिडाइजेशन काढ़ा तो तार हाइब्रिडाइजेशन कौन आसो एंड तार सेप कौन आसो देखो हाइब्रिडाइजेशन मुझे ऑलरेडी ट्रिक आपण मानक सारी कौन ट्रिक कही देखो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वैल्यूटा काढ़ा जदि से 4 आसला हाइब्रिडाइजेशन हम SP3 जदि 3 आसला हाइब्रिडाइजेशन हम SP2 जदि 2 आसला हाइब्रिडाइजेशन हम SP हाइब्रिडाइजेशन ओके ए टाइप रो हाइब्रिडाइजेशन आए तो एठी जदि आम NH3 रे देखिबा तो NH3 आमको कौन देखिया पाए मिलबो देखो नाइट्रोजन सहित तो 3टा हाइड्रोजन अछि ता माने बॉन्ड पेयर तो 3टा पाए गले आ ता ऊपर गोटे लोन पेयर अछि ता माने आमर देखो बॉन्ड पेयर हे गला 3 लोन पेयर 1 दैट इज 4 वैल्यू आसला 4 वैल्यू आसला माने हाइब्रिडाइजेशन SP3 हाइब्रिडाइजेशन तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी कैंसिल हे गला तापर सेप देखो सेप कौन हुए यार सेप किसी यही भाया आमको देखापी मिले मीनस NH3 रो जोटा कि हूँ ट्राइगोनल पिरामिडल ठीक अच्छे ट्राइगोनल पिरामिडल ताने ये आपको टाइप रेप देखापी मिलूँ पिरामिडल सेप देखापी मिलूँ दैट इज ऑप्शन सी हिज यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तापर आस 71 नंबर क्वेश्चन कौन कौन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 S2 F2 H2 S रेस्पेक्टिवली तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर जिते बड़े भी आपर अनकम्बाइंड एटम रो बाहर करा जाए कि मॉलिक्यूल्स रो बाहर करा जाए से तार ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुए ताने S8 वर्तमान अनकम्बाइंड स्टेट रे अच्छी कहाँ सहित तो कंबाइन है तो यार ऑक्सीडेशन नंबर के 0 हो तो फर्स्ट रो 0 मानने ऑप्शन ए ऑप्शन बी कैंसिल हो गला बाकी रहा किए सी आउ डी तापर देखु सेकेंडटा ठीक अच्छे सेकेंड रे देखु आप देखु सी आउ डी रे दुईटा जाक वन वन अच्छे तो या चेक करूँ ना H2S को चेक करूँ आपण मर आंसर टा थर में बाहर ठीक तो देखु H2S तो हाइड्रोजेन रो आपको अलरेडी कही सारी हाइड्रोजेन टा मेटल हाइड्राइड रे जिते बड़े थाए ठीक अच्छे जमी आम काढ़ कौन सपोज करूँ सोडियम हाइड्राइड कि अलग कौन से आम मेटल हाइड्राइड नवा से हाइड्रोजेन रो माइनस वन हुए आउ बाकी सब जगह वन हुए ठीक अच्छे तो जदि हाइड्रोजेन रो वन हम तेल सल्फर रेत हो देखो 2 × 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 तो एक्स इज इक्वल्स टू के पाइले माइनस टू पाइले तो सल्फर रेत आसला माइनस टू आसला माइनस टू वाला कौटी अच्छी ऑप्शन डी रही अच्छी सो ऑप्शन डी हो यार करेक्ट आंसर सिंपल जिनस ओके
तो ऑप्शन डी हिज वो यार करेक्ट आंसर 70 नंबर 71 नंबर ठीक अच्छे। तापर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीबा 72 नंबर ओके 72 नंबर गोटे मिनिट 72 नंबर देखो तो क्वेश्चन हमको कौन दे 72 ओके 72 कौन दे देखो तो फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ HCl इफ 10 ml ऑफ 0.5 मोल ऑफ CaOH2 सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 50 ml ऑफ HCl टिल न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तामने से कौन कहूँची आमे जदि 0.5 कंसेंट्रेशन रो CaOH2 को नबा ओके एंड सेथिरे आमे न्यूट्रलाइजेशन करबा सपोज करंतु 50 ml ऑफ HCl को न्यूट्रलाइजेशन करबा तो एथिरे से पचारोची कोन ना HCl रो कंसेंट्रेशन टा केते हेबो ठीक अछि कंसेंट्रेशन टा केते हेबो माने नॉर्मलिटी टा हमको पचारे तो आमे जानि छथि कोन ना कंसेंट्रेशन रो फार्मूला जानि छथि N1V1 = N2V2 एटा आमे फार्मूला जानि छथि ठीक। तो ए फॉर्मूला रे हमें कौन करबा वर्तमान वैल्यू गुडा को पुट करबा बट एठी आपण माने गोटे जनसो देखंतु ऑब्जर्व करंतु जो वैल्यू टा दैछि सेटा आपण मानको मोलारिटी रे दैछि तो मोलारिटी रे दै थिले ताकु आपण माने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन करबे नॉर्मलिटी रे चेंज करबा तार फार्मूला होची कोन N = m * n तो स्मॉल n टा कोन आइते देखंतु जते बेला हमें एसिड नबा तते बेला नंबर ऑफ प्रोटॉन हेथाय आ जते बेला हमें बेस नबा सेते बेले कोन हेथाय बेस क्षेत्र रे नंबर ऑफ ओएच माइनस आयन्स है था ठीक अच्छे। तो एठी देखो तो सी ए ओ एच होल ट्वाइस जो रही एथेरे दीटा आप मानक कौन रही ओ एच आटम रही ना नहीं रही मैंने एथेरे आप मैंने कौन करेंगे देखते जदि नॉर्मलिटी काढ़े यापाई तो नॉर्मलिटी के देखो N1 = आस 0.5 × 2 तो मैंने पाईगले 1 L ठीक अच्छे। सही भाई एच सी एल जब आम काढ़ तो एच सी एल N2 आसो तो N2 रैल्यू टा के आसो जदि एच सी एल रपोज करूँ एक्स मोलारिटी दिखाई ता सहित नंबर ऑफ प्रोटॉन के गोटे अच्छी मैंने आपत आसो एक्स एन आसो ठीक। तो ये वैल्यू पुट कर दिखुत आपण मैंने पाई आराम से वैल्यू 1 N × 10 = ये आपने या एक्स नहीं जाए इंटु भि टू के पाइबे भि टू आप दिखाई 50 तो ये आप वैल्यू के आसो X = 1/5 ठीक अच्छे। 1/5 कौन आसो एन आसो बट आपको चेक करार अच्छे कौन एम रे चेक करार अच्छे पुणी नॉर्मलिटी रु मोलारिटी रे कन्वर्ट करेंगे केमती कन्वर्ट करेंगे HCl रो कंसेंट्रेशन ताने आप कौन करेंगे ये एम को डिवाइड करदे ठीक अच्छे स्मॉल एन को डिवाइड करदे तो स्मॉल एन के वन अच्छी तो वन डिवाइड करदे कौन फरक पड़ो कि फरक पड़ोनी तो 1/5 एम आसो यार कौन कंसेंट्रेशन आसो दैट इज एटा कोठे दिखाई आमको देखो एटा आमको ऑप्शन डी रे दिखाई ना तो ऑप्शन डी हिज यार करेक्ट आंसर ठीक। तो ऑप्शन डी हिज यार राइट आंसर। तापर आस जा नेक्स्ट क्वेश्चन को 73 नंबर क्वेश्चन को ठीक अच्छे। 73 नंबर क्वेश्चन आमको कौन दिखाई देखो व्हेन कॉपर पाइराइड इज रोस्टेड इन एक्सेस ऑफ एयर ए मिक्सचर ऑफ CuO एंड FeO इज फॉर्म्ड FeO इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी दिस कैन बी रिमूव्ड एज अ स्लैग ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ CuO टू Cu द फ्लक्स दैट इज एडेड टू फॉर्म ए स्लैग इज दैट इज SiO2 ठीक अच्छे। तो यार करेक्ट आंसर कौटा हम यार करेक्ट आंसर हम SiO2। तापर देखु नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन टा इक्विलिब्रियम रु आसो बहुत ही इजी क्वेश्चन टा आसो ओके बाकी सब क्वेश्चन तो इजी अच्छी ओके बस टिके कन्सेप्चुअल क्वेश्चन गुड़ाक आसी इन दिस रिएक्शन ए जो रिएक्शन टा दिया ए रिएक्शन रे से कौन कौन देखु PCl5 PCl3 रो मीन्स कन्सेंट्रेशन टा दे 0.4 and 0.2 दे एंड सी केसी रैल्यूटा देती मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रैल्यूटा देती है 0.5 देती तो सी आमको पचार Cl2 रो कंसेंट्रेशन तो आपने जानते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रैल्यू के सेटा देखो आम जो प्रोडक्ट रही प्रोडक्ट रो कंसेंट्रेशन दैट इज PCl3 रो कंसेंट्रेशन Cl2 रो कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 रो कंसेंट्रेशन। तो ये जब आपको दरकार कौन ना Cl2 रो कंसेंट्रेशन तो कौन हो देखो Kc × PCl5 रो कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl3 रो कंसेंट्रेशन तो आपने वैल्यू पुट कर दिखाँ Kc रो वैल्यू हो 0.5 मल्टीप्लाइड विथ
0.4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ହେଇଯିବ 0.2। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ କେତେ 1 ପାଇବେ। ଠିକ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାହେଲେ Cl2 ର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ହେଇଯିବ। ତ 1 କୋଉଠି ଦିଆହେଇଛି, 1 ଦିଆହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦିଆହେଇଛି। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର, ତାପରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ 75 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ଏଟ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ପିଓର ୱାଟର ହ୍ୟାଜ୍ H3O+ 10⁻⁶ m। ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କେ ଡବ୍ଲୁ। ତ କେ ଡବ୍ଲୁଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କେ ଡବ୍ଲୁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କରେଇ ସାରିଛି। କେ ଡବ୍ଲୁଟା ହେଇଥାଏ H+ ଆଇନ୍ର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ OH- ଆଇନ୍ର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, H+ ଆଇନ୍ ଯେତିକି ଥାଏ OH- ଆଇନ୍ ସେତିକି ଥାଏ, କାହିଁକିନା ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ ତ ସେତିକି ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପାଇବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ H3O+ ଦିଆଯାଇଛି। H3O+ ମାନେ କ'ଣ, H+ ଆଇନ୍ର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯାହା H3O+ର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେଇଆ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 10⁻⁶। ତ ଏଟା ବି ହେବ 10⁻⁶ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିବ 10⁻⁻¹। 10⁻¹ କୋଉଠି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦିଆହେଇଛି। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ 75 ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଟା, ନା ସେଇଟା ହେଉଛି 76 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 76 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କାର୍ବନ ଆନାୟନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ କାର୍ବନ ଆନାୟନ ଦେଇଛି ଏଠି, ଏମାନଙ୍କର ଡିକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡରଟାକୁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 76 ନମ୍ବର। ତ 76 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି CH3 ହୋଲ୍ 3 C ଦିଆହେଇଛି, ତା ମାନେ ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଯଦି ବନେଇବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ବନ ସହିତ ତିନୋଟି କ'ଣ ଆସିବ, CH3 ଗ୍ରୁପ ଆସିବ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ଏଣ୍ଡ ମେନ୍ କାର୍ବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର -ଚାର୍ଜ ଲାଗିଛି। ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ସେଠି ମେନ୍ କାର୍ବନରେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଇଟା CH3 ଗ୍ରୁପ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ମେନ୍ କାର୍ବନରେ ଆପଣମାନେ -ଚାର୍ଜ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଥାର୍ଡଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ CH3 ଏଣ୍ଡ CH2, ଏଥିରେ -ଚାର୍ଜ ଲାଗିଛି। ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି C6H5, ତା ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିନାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ ଦିଆହେଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବେଞ୍ଜାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ ବି କହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟା ସହିତ କିଏ ଲାଗିକି ରହିଛି, ୟା ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି CH2 ଏଣ୍ଡ ଏଠି ରହିଛି -ଚାର୍ଜ, ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି କାହାର ହେବ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ୟାର ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଅଧିକ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗରେ ରିଜୋନାନ୍ସ ହେଇଥାଏ, ରିଜୋନାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ୟାର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ 4, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଫୋର୍ଥଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୋର୍ଥଟାର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କାହାର ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟାର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିବ। କାହିଁକି ୟାର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ବୋ କାଟାଏନ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 3 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବୋ ଆନାଏନ୍ ଥାଏ ତାର ଓଲଟା ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମିଥାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପଟା କ'ଣ କରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଡୋନେଟ୍ କରେ। ଯଦି ୟାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସିଏ ବେଶୀ ଦେବ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ତ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ତ ସିଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଯିବ ନା। ତ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ କାର୍ବନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଅଧିକ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବ। ତ ଫୋର୍ଥଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ କିଏ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେବ, ତାପରେ କିଏ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେବ, ତାପରେ କିଏ ହେବ, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେବ। ମିନ୍ସ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାଲିବ 4th, 3rd, 2nd। ତ ସେଇଟା କୋଉଠି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦିଆହେଇଛି। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝି ଆସିଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, 77 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 77 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଆକ୍ସନ। ଏ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନଟା ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ରିଆକ୍ସନର ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିନୋଲ। ଫିନୋଲକୁ ରିଆକ୍ଟ କରାହେଉଛି କାହା ସହିତ, CH3Cl ସହିତ। ତ ଏଠି ଆଟାଚ କିଏ ହେବ, ଏଠି ଆଟାଚ ହେବ CH3 ଗ୍ରୁପଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ CH3 ଗ୍ରୁପଟା ଥରେ ଆଟାଚ ହେବ କେଉଁଠି, ଅର୍ଥୋ ପୋଜିସନରେ ଆଟାଚ ହେବ, ଆଉ ଥରେ କେଉଁଠି ଆଟାଚ ହେବ, ପାରା ପୋଜିସନରେ ଆଟାଚ ହେବ। ତା ମାନେ ୟାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେମିଂ କରିବେ, ନେମିଂ କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ ଅର୍ଥୋ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଟୋଲୁଇନ୍ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗରେ CH3 ଲଗେଇ ଦଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଟୋଲୁଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ ଅର୍ଥୋ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଟୋଲୁଇନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ପାରା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଟୋଲୁଇନ୍ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝି ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରିଡିଲ୍ କ୍ଲାଫ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଯିବା 78 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, 78 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି।
78 नंबर क्वेश्चन कौन कौन सी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इज नॉट ऑब्जर्व इन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुझीबा दरकार कि आपण मानको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कौन देखंतु मार्कोनिक ऑफ रूल कौन कहे ना जदि आमको सपोज करंतु कोनोसे डबल बॉन्ड दिया है से डबल बॉन्ड रे कौन हबो ना आपण मानकर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैलोजन ग्रुप ता थिबो सेटा अटैच हबो कोथरे जोथरे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थिबो आउ जोथरे आपण मानकर कौन थिबो ना आपण मानको अधिक हाइड्रोजन थिबो सेथरे आपण मानकर हाइड्रोजन ता अटैच होए बुझी आसला। तो एटा होची मार्कोनिक ऑफ रूल तार उल्टा ता कोठी हुए एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ता माने कोठी देखिया पाए मिले सेटा हमको देखिया पाए मिले जोथरे की सिमेट्रिकल आपण मानकर कौन थिबो सॉरी अनसिमेट्रिकल आपण मानकर बॉन्डिंग देखिया पाए मिलबो सेठी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ता हबो बट जदि सिमेट्रिकल थिबो सेठी देखिया पाए मिलबोनी काहे कि ना सिमेट्रिकल रे हमको मार्कोनिक ऑफ रूल ता देखिया पाए मिले। तो देखंतु से कोची कोठी आपण मानको देखिया पाए मिलबोनी नॉट ऑब्जर्व ता माने प्रोपीन ता को बनांतु प्रोपीन रे केते आसीबो सी 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 एठी डबल बॉन्ड आसीबो तो एठी जदि आपण माने ब्रेक करबे एठी दीटा कार्बन एठी गोटे कार्बन अनसिमेट्रिकल तो एठी तो हमको देखिया पाए मिलबो हमको खोजियार अछि कोठी सिमेट्रिकल अछि। तो ब्यूट 1 इन रे जदि आपण माने देखिबे देखंतु एठी भी आपण माने देखंतु ब्यूट 1 इन तो एठी भी अनसिमेट्रिकल आछि ने नै अनसिमेट्रिकल तो एठी भी आपण मानको देखिया पाए मिलबोनी। तापर देखंतु ब्यूट 2 इन तो याकू आपण माने ब्रेक करिके देखंतु एठी आपण माने देखंतु ब्यूट 2 इन सेकंड पोजीशन रे ब्रेक करिके देखंतु एटा होची सिमेट्रिकल अल्किन तो एठी आपण मानको देखिया पाए मिलबोनी काहे कि ना एठी आपण को मार्कोनिक ऑफ रूल काम करबो तो दैट इज ऑप्शन सी इज वेयर करेक्ट आंसर। तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 79 नंबर क्वेश्चन आईयूपीएससी नेमिंग रो क्वेश्चन टा ठीक अछि बहुत सिंपल क्वेश्चन टा क्वेश्चन कौन कहू छी देखंतु द आईपीएससी नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रॉन्ग ठीक। तो एठी आपण माने गोटे जनसो देखंतु ए जो फर्स्ट ऑप्शन टा दिया छी CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3 एटा आपण को ठीक अछि काहे कि ठीक अछि काहे कि ना एठी जदि आपण माने देखिबे सी डबल बॉन्ड ओ अछि ओके सी डबल ओ अछि त माने एटा होछि ईस्टर ग्रुप। तो ईस्टर ग्रुप जते बेले भी थाए तो फर्स्ट आमे यारो नेमिंग करबा तापर यारो नेमिंग करबा ठीक अछि। तो एटा हे जइबो कोन इथाइल तापर एठी देखंतु चारटा कार्बन अछि तो एटा हे जइबो ब्यूटानोइड ठीक अछि। तो इथाइल ब्यूटानोइड तो एटा तो बिल्कुल करेक्ट अछि आमको कोटा भूल अछि सेटा चूज करियार अछि। तापर सेकंड देखंतु कोन हे जइबो आपण माने ए फोटो नंबरिंग करबे 1 2 3 4 तो 3 मिथाइल ब्यूटानल आसीबो एटा भी ठीक अछि। थर्ड टा देखंतु कोन दिया अछि फंक्शनल ग्रुप होछि ओएस तो नंबरिंग करबा ए फोटो 1 2 3 4 आसीबो ठीक अछि। ता माने हमर आसीबो कोन 3 मिथाइल ब्यूटान ओल आसीबो ठीक अछि ब्यूटान 2 ओल आसीबो। तो एठी हमको देखंतु 3 मिथाइल जगह रे 2 मिथाइल देछि तो एटा हमर भूल अछि ठीक। तापर देखंतु ऑप्शन डी टा ऑप्शन डी रे जदि कंफ्यूज होचंती देखंतु एठी जदि आपण माने फंक्शनल ग्रुप देखबे कीटो ग्रुप याडु आसंतु कि याडु आसंतु आपण माने थर्ड पोजीशन रे पाइबे बट तापर आपण मानको देखिया को पडिबो ब्रांच कोठी रहिछि ब्रांच टा देखंतु जदि आपण माने याडु नंबरिंग करूचंती तो ब्रांच टा होसे सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन। तो एडिशन देखंतु 2 एंड 3 केते आसछि 2 एंड 3 दैट इज 5 आसछि एपोट जदि नंबरिंग करिवे एटा आसबो 3 एटा आसबो 4 दैट इज हिज वाज 7। तो हमको सब बेले कोन करियार थाए लोएस्ट सम रूल टा नंबर थाए तो लोएस्ट सम रूल जदि हमें नबा तो नंबरिंग को फोटो करबा 1 2 3 4 5 ए फोटो करबा। तो एठे आपण मन को सेकंड पोजीशन रे अछि कि मिथाइल ग्रुप तो मिथाइल ग्रुप मींस 2 मिथाइल प्रोपान 3 1 हिज वो तो एटा भी बिल्कुल आपण मन को करेक्ट अछि। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट अछि ताहेले रॉन्ग दरकार थला हमरो रॉन्ग कोटा हैला ऑप्शन सी टा हे गेला रॉन्ग ठीक अछि बुझि आसला। तो ये क्वेश्चन टा मु ऑलरेडी करे सारथली मॉक टेस्ट ग्रुप रे एटा मु ऑलरेडी करा सछि ओके। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन टा कोन दैसी देखंतु व्हिच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ए जो इक्वेशन टा अछि सेटा को मेथड रे रिप्रेजेंट करू छी ठीक अछि सेटा आपण मन को वैन आर्कल मेथड को रिप्रेजेंट करू छी काहे कि ना वैन आर्कल मेथड रे कहां रो रिफाइनिंग करा हेते सेथिरे आपण मन को टाइटेनियम रो आपण मन को रिफाइनिंग करा हेते ठीक अछि वैन आर्कल मेथड रे आपण को टाइटेनियम किंबा जिरकोनियम रो रिफाइनिंग करा हेते ठीक। ऑप्शन डी इज बाय आरो करेक्ट आंसर। तो आई होप आपण मानको केमिस्ट्री क्वेश्चन गुडा को बुझि आइथबो। तापर वर्तमान आमे मैथ क्वेश्चन आडू को जीवा ठीक अछि। तो देखंतु मैथ क्वेश्चन मु आपण मानको देखौ छी देखंतु मैथमेटिक्स सेक्शन को आमे आसी गले तो मैथ रो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन दै छी लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय ठीक अछि एटा हमको रिलेशन दिया छी। तो ए रिलेशन रे से कहौ छी कि ए कॉमा बी रो हमरो
ভ্যালুটা কেতে আসবে। তো ফার্স্ট অফ অল আপনার যদি দেখবে এ কমা বি ইজ সাচ দ্যাট এ ইজ ইকুয়ালস টু বি মাইনাস টু দিয়েছি ওয়ের বি ইজ গ্রেটর দেন সিক্স, এই কন্ডিশনটা দেখুন ঠিক। তাপরে আপন মানে কোন করিবে ভ্যালু পুট করিকি দেখিবে দেখন্তু যদি মু সাপোজ করন্তু বি জায়গা রে মু 6 রাখুছি তো এঠি এ টা কেতে আসব দেখন্তু সরি বি জায়গা রে যদি 4 রাখিবি তো বি ইজ ইকুয়ালস টু যদি 4 রাখিবি তো এ এর ভ্যালু টা কেতে আসব 4 মাইনাস 4 সরি 4 মাইনাস 2 দ্যাট ইজ 2। তো 2 কমা 4 টা স্যাটিসফাই করুছি বাট এই কন্ডিশন টা কু স্যাটিসফাই করুছি কি বি গ্রেটার দেন 6 করুনি তা মানে অপশন এ টা হব না ঠিক। তারপরে দেখুন সেকেন্ড যদি 8 রখিবে তাহলে 3 আসছে কি আসুনি তো এটা বি স্যাটিসফাই করুন। তারপরে যদি 8 রখিবে তো এটা 6 পাইবে তো এটা স্যাটিসফাই করুছি তো অপশন সি টা হিজবে এর করেক্ট আনসার ঠিক। আউ চেক করা কিছু দরকার নেই। তারপরে আসন্তু সেকেন্ড কোশ্চেন, সেকেন্ড কোশ্চেন আমাকে কোন দিয়েছি, সেকেন্ড কোশ্চেন আমাকে দিয়েছি 82 নম্বর কোশ্চেন কোন দিয়েছি দেখুন গোটে মিনিট। তো 82 নম্বর কোশ্চেন আমাকে দিয়েছি কি লেট ইউ বি দ্য ইউনিভার্সাল সেট এন্ড এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি ইজ ইকুয়ালস টু ইউনিভার্সাল সেট যদি হচ্ছে দেন সে কোচি এ মাইনাস বি ইউনিয়ন বি মাইনাস সি ইউনিয়ন সি মাইনাস এ র কমপ্লিমেন্ট কোণ হব ঠিক আছে দেখুন মু যদি সাপোজ করন্তু এটা নেলি এ সেট এটা নেলি বি সেট এন্ড এটা নেলি সি সেট ঠিক আছে। তো এটি আপন মানে গোটে জিনিস ভালসে অবজর্ভ করন্তু কি কোণ দেখিয়া পাই মিলুছে আপন ঠিক আছে দেখুন ए यूनियन बी यूनियन सी रे हमरो कोन होची यूनिवर्सल सेट मु जदी यूनियन कर देबे टोटल हमें पाइस बाय यूनिवर्सल सेट ता तो से कोची कोन ए माइनस बी एटा जदी ए सेट एटा जदी बी सेट एटा जदी सी सेट तो हमें ए पोर्शन ता जदी सेट करबा तो एटा होची हमरो कोन ए माइनस बी पोर्शन। ता पर देखंतु बी माइनस सी, बी माइनस सी माने को पोर्शन ता हेजबो देखंतु ए पोर्शन ता हेजबो ना नै ए पोर्शन ता हेजबो बी सेट रहइबो बट सी सेट रहइबो नै। তারপরে সে কুচি সি মাইনাস এ, সো সি মাইনাস এ মানে কো পরসেন্ট আসিব দেখুন গোটে মিনিট সি মাইনাস এ ওকে সি মাইনাস এ মানে এ পরসেন্ট আসিব এস ও এ পরসেন্ট আসিব এটা যেটা মু পুরা রেড করে দেছি এ পরসেন্ট আসিব। তো সে কুচি এমানকর কমপ্লিমেন্ট তো এমানকু ছাড়ি দেখি কো পরসেন্ট আমার ইউনিভার্সাল সেট ভিতরে আছে দেখুন এই মজি পরসেন্ট আছে না নাই মজি পরসেন্ট আছে তো এই মজি পরসেন্ট কোন কোয়া যায় এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি। যদি আপনার মানে ভেন ডায়াগ্রাম বনাই দেবে তাহলে এই কোশ্চেনটা আপনার মানে আরামসে দুই সেকেন্ডের কোশ্চেনটা সলভ করে পারবে বাট যদি ভেন ডায়াগ্রাম বনাইবা আসবনি তাহলে এই কোশ্চেনটা আপনার পাই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে। তারপরে দেখুন নেক্সট কোশ্চেন, নেক্সট কোশ্চেন আমাকে কোণ দিয়েছি ইফ আলফা বিটা আর দ্য রুটস অফ দিস ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস কে এক্স প্লস ওয়ান মাইনাস সি ইজ ইকুয়ালস টু জিরো দেন সে কইছে ভ্যালু অফ দিস ঠিক আছে। তো আপনার মানে আরামসে কাটি পারবে এই ভ্যালুটা বট তা পূর্বর আপনার টিকি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটাকে অ্যারেঞ্জ করা পড়বে ঠিক আছে কিনা না দেখুন এক্স স্কোয়ার মাইনাস কে এক্স মাইনাস কে মাইনাস সি ইজ ইকুয়ালস টু জিরো তো এটা হয়ে যাবে আপনার কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এন্ড এটা হয়ে যাবে আপনার এক্স র কোফিসিয়েন্ট ঠিক আছে। বর্তমানে আপনার মানে ইয়াকে সলভ করতু আলফা প্লস ওয়ান ইন্টু বিটা প্লস ওয়ান তো এটি আপনার মানে পাইবে কেতে এটি আপনার মানে পাইবে আলফা বিটা প্লস আলফা প্লস বিটা প্লস ওয়ান পাইবে। তো আলফা বিটা কেতে আসবে আলফা বিটা আসবে সি বাই এ আসবে আলফা প্লাস বিটা কেতে আসবে দেখুন মাইনাস বি বাই এ আসবে এন্ড ওয়ান করে দিন সিম্পল জিনিস। তো এটি সি বাই এটা আপনার কেতে আসবে সি বাই এ এটা হচ্ছে আপনার কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ইয়েস ও নো তো এটি আপনার পাইবে কেতে মাইনাস কে মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস মাইনাস বি বাই এ কেতে পাইবে মাইনাস বি বাই এ পাইবে মাইনাস কে ডিভাইডেড বাই ওয়ান ঠিক আছে। মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাব এন্ড প্লাস ওয়ান করে দিন তো এটি আপনার পাইবে দেখুন মাইনাস কে প্লাস কে ক্যানসেল হয়ে যাব রহব কি আপনার রহব ওয়ান মাইনাস সি ঠিক আছে ওয়ান মাইনাস সি। তো ওয়ান মাইনাস সি কোটি অছি অপশন সি রে অছি না নাই অপশন সি রে অছি সো অপশন সি হয়ে যাব 83 নম্বর কারেক্ট আনসার। তো দেখুন 84 নম্বর কোশ্চেন আমাকে কোণ দিয়েছি 84 নম্বর কোশ্চেন দিয়েছি লেট এফ ইজ এ ফাংশন ফ্রম আর টু আর ইজ ডিফাইন্ড বাই এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু এক্স র পাওয়ার 4 আমাকে দিয়েছি এটা গোটা ফাংশন দিয়েছি। তো সে কোচি এই যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা কোণ হব ওয়ান ওয়ান হব না ওয়ান টু হব ফার্স্ট মু ওয়ান ওয়ান পাই দেখাউছি ঠিক। তো যদি সাপোজ করন্তু আমি এক্স জায়গায় মাইনাস ওয়ান নবা এক্স জায়গায় প্লাস ওয়ান নবা তো আপনার মানে পুট করি দেখুন মাইনাস ওয়ান র পাওয়ার 4 কেতে আসব ওয়ান আসব ওয়ান র পাওয়ার 4 কেতে আসব ওয়ান আসব তা মানে ইয়ার ম্যাপিং মাইনাস ওয়ান র বি ওয়ান কু যাচ্ছি ওয়ান র বি ওয়ান কু যাচ্ছি তো এটা কোণ ওয়ান ওয়ান হচ্ছে কি ওয়ান ওয়ান হো না ঠিক। তো ফার্স্ট আমি পাইগলি কি এটা নট ওয়ান ওয়ান তা মানে আপনার অপশন এ ঠিক তারপরে অপশন সি ক্যানসেল হয়ে গলা
नेक्स्ट रहिला कि आपण मानकर ऑन टू, तो ऑन टू टा आमे केमती चेक करबा, ऑन टू पई आमे देखिबा। देखंतु मु जदी सपोज करंतु एठी वाई इज इक्वल्स टू, सपोज कोनोसे भी नेगेटिव वैल्यू गोटे नेली -1, तो एठी वाई माने केते हिजबो एक्स पावर 4 इज इक्वल्स टू -1, तो एक्स रो वैल्यू टा केते आइसबो ताले -1 रो रूट ओवर तार पावर केते हिजबो 1/2 हिजबो। तो -1 रो रूट ओवर टा केबे भी आपण मानकर रियल नंबर सेट रे बिलोंग्स करिवो कि, जदी सपोज करंतु मु एटा होची रियल नंबर सेट, ओके ए रियल नंबर सेट रे मु -1 गोटे एलिमेंट नेली, तारो कोन प्री इमेज टा एठी एग्जिस्ट करूची कि एग्जिस्ट करूनी, ता माने सेटा केबे भी ऑन टू होबो नाही। जदी गोटे भी एलिमेंट रो प्री इमेज एग्जिस्ट करू नाही ता माने ऑन टू होबो नी, तो एटा कोन हिजबो ताले नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी होबो यार करेक्ट आंसर। ठीक अछि, तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करबा। ओके 85 नंबर क्वेश्चन, गोटे मिनिट, 85 नंबर देखो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, मत तो ये क्वेश्चन बहुत भल लगे। ठीक अच्छे, देखो क्वेश्चन से कौन कौन, आउट ऑफ 4 इंटीजर्स आमको 4टा इंटीजर्स देछि, एनी 3 वेयर्स रैंडमली टेकन एट ए टाइम। ठीक अच्छे, आम तीन टा को नौ रैंडमली आमको आम एड कर, तो रिजल्ट आम कौन कौन पाँच देखो, 174, 193, 267 एंड 242। तो से कहि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इज ग्रेटेस्ट अमंग दिस 4। तो ये क्वेश्चन टा हुए तो मैक्सिमम पिला भूल करि पारि थांती, ओके आउ के भी थांती आपण मन को ठीक भी करथबे। ठीक, जदी सपोज करन तो मु एठे 4टा इंटीजर नेली ए बी सी डी नेली, तो मु रैंडमली सपोज करन तो मु 3टा को ऐड करूची, ए बी सी सपोज करन तो मु ऐड करली मु पाइली 174। सिमिलरली मु सपोज करन तो बी सी डी नउची जोंतरी कि मोर आंसर आसले 193। सिमिलरली मु सपोज करन तो नेली कि ए सी डी इज इक्वल्स टू आमे पाइले केते 267 एंड आमे नेले कोन ए बी डी दिस इज इक्वल्स टू आमे पाइले 242। तो याकू सॉल्व करके आमको बाहर करया को पड़िबो ए बी सी डी, तापर सेठो आमे कोन करिबा ग्रेटेस्ट नंबर टा चूज करिया। तो केमती बाहर करिबा, सब गुडा को ऐड कर दंतु, सब गुडा को ऐड कर देले आपण माने कोन पाइबे, आपण माने एया पाइबे कि 3 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिस इज इक्वल्स टू पाइबे आपण माने 876। मु ऐड करके रखी से मुझे डायरेक्टली लिखुची। ठीक अच्छे, आपण माने चेक करके देखिपारे कि कैलकुलेशन रे कौन मिस्टेक अच्छे, ओके मिस्टेक तो बहुत ही कम थी। ठीक अच्छे, तथापि जदि कौ जगह मिस्टेक थी तो आपने कमेंट करके जनदेवे। ठीक अच्छे, बाकी मेथड पूरा आपको करेक्ट थी। तो ये आपको आंसर के आसो, देखो 292 आसला, तो ए प्लस बी प्लस सी डी रैल्यू पाइले 292 पाइले, दरकार कौन आमको ए बी सी डी रैल्यू दरकार, तो ए रैल्यू के आसो देखो 292 माइनस बी सी डी को माइनस कर दिंतु 193, माइनस करदे आपने ए रैल्यू पाइबे, तो ए रैल्यू आसो 99, बी रैल्यू से भाई आपने कौन करेंगे, बी रैल्यू आपने 292 रु क्या माइनस करेंगे, ए सी डी को माइनस कर दिंतु 267, तो ये वैल्यू पाइबे 25। तापर सी रैल्यू के आसो 292 माइनस क्या माइनस करेंगे, ए बी डी को माइनस करेंगे, तो ए बी डी या माइनस कर दिंतु 242, तो ये वैल्यू आसो 50। तापर डी रैल्यू, डी रैल्यू के आसो आप देखो 292 माइनस ए बी सी दैट इज 174, माइनस कले के पाइले आम 118 पाइले। तो ये जो 4टा वैल्यू आम पाइले 99, 25, 50 एंड 118, तो या भितर ग्रेटेस्ट नंबर कौटा अच्छी 118, दैट इज ऑप्शन ए हम यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, ओके तो आशा करी कि ये जिनसा बुझी आसो। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आमको कौन दे 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन टा डेरिवेटिव क्वेश्चन टा, बट से डायरेक्टली डेरिवेटिव बोली ये किसी कहनी। ओके देखो, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। ठीक अच्छे, यहाँ आमको फंक्शन दिखाई एटा हूँ कौन टोटल रेवेन्यू, तापर से कौन कहे द मार्जिनल रेवेन्यू व्वेन एक्स इज इक्वल्स टू 15। तो आम मार्जिनल रेवेन्यूटा के मार्जिनल रेवेन्यूटा कौन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू। जदि आम सपोज करूँ मार्जिनल रेवेन्यू को चेंज करवा तेज़े टोटल रेवेन्यूटा चेंज हम ना नहीं हम, तो आम कहीपर ताल मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज एम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कौन हो डी ऑफ आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो यार डेरिवेटिव कर दिंतु, यार डेरिवेटिव कले आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 6x प्लस 36 पाइबे, एक्स जगह 15 रखी दिंतु, तो 6 × 15 हो 90 प्लस 36, सो दैट इज 126 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ओके तापर देखो 87 नंबर क्वेश्चन, 87 कौन कहे देखु
व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म इज गिवन बाय। ठीक अच्छे आम गोटे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देइछि जोथरे कि एस एम रो वैल्यूटा देइछि मीन्स एम टर्म्स रो समटा देइछि दैट इज 2m² + 3m आमको गिवन अछि। तो देखंतु कॉमन डिफरेंस केमति काढिबा, सपोज आपण माने एस वन नेले, एस वन रे कोन हेबो फर्स्ट टर्म रो समटा हेबो, तो फर्स्ट टर्म माने ए रो वैल्यूटा पाइ जेबो 1 रखि दियंतु, 1 रखि देले केते पाइबे आपण माने 8 पाइबे, तो ए रो वैल्यूटा आसीगला 8। एस टू जदि आपण माने काढिबे केते आसीबो ए प्लस डी आसीबो ना नै, दुइटा टर्म्स रो सम आसीबो, 2 रखि दियंतु, 2 रखि देले केते पाइ जेबे एम जगह रे 2 रखि देले आपण माने पाइ जेबे 20। ओके तापर आमको दरकार कौन कॉमन डिफरेंस दरकार, से बाहर करी कौन ए प्लस डी, तो ए प्लस डी टा कौन आस टू माइनस एस वन दैट इज 20 - 8 इज इक्वल्स टू 12 पाइले, तो आम सेकेंड टर्म टा पाइले ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस के प्लस डी माइनस ए दैट इज 12 - 8 इज इक्वल्स टू 4। तो आम कॉमन डिफरेंस टा के आसा तो 4 आसला ना, नहीं 4 आसला, तो 4 कौटी दिखाई ऑप्शन रे, ऑप्शन रे दिखाई डी रे, सो ऑप्शन डी हो जाए यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन दिखाई गोटे मिनिट, एट नंबर क्वेश्चन कौन कौन द टर्म्स ऑफ ए जीपी आर ऑल पॉजिटिव एंड ईच टर्म इट्स इक्वल्स टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तामने से कहते हमको गोटे जोमेट्रिक प्रोग्रेशन देती, से जोमेट्रिक प्रोग्रेशन रे सब टर्म्स गुड़ाक पॉजिटिव अच्छी एंड आम जब सपोज करूँ गोटे टर्म्स टा ना से कौन होता है ना तार जो दुटा फॉलोइंग टर्म्स थे जमी यहाँ हो फर्स्ट टर्म तो तार फॉलोइंग टर्म्स किए किए अच्छी बी आउ सी। ठीक अच्छे मीन आगे जो दुटा अच्छे से सम सहित सामान हो तो यूँ मुझे कनक्लूड करी कि ए एन इज इक्वल्स टू कौन आसे एन एच टर्म टा कौन आस एन एन प्लस वन टर्म प्लस एन प्लस टू टर्म रम आस आप अपन माने जानी थे बे कि जोमेट्रिक प्रोग्रेशन रे एन एच टर्म टा कौन होता है ए इंटू आर रो पावर एन माइनस वन होता है तो ये अपन माने पुट कर पारे ए इंटू आर रो पावर एन माइनस वन तो ये कौन आसो ए इंटू आर रो पावर एन आसो प्लस ए इंटू आर रो पावर एन प्लस टू आसो तो आप माने जदि कॉमन नहीं जाए यूर कॉमन नहीं जाए कौन कॉमन ने ए इंटू आर रो पावर एन माइनस वन तो बोथ साइड रु कैंसिल हो तो आप इज इक्वल्स टू एटी पाइबे केते आपण माने देखंतु ए इंटू आर रो पावर एन जो दिखाई है एठू आपण माने पाइबे आर एंड एठू आपण माने केते पाइबे आर स्क्वायर पाइबे बुझी आसिला। वर्तमान देखंतु आपण मानको गोटे मिलुछि कोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गोटे मिलुछि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करंतु आर रो वैल्यू फाइंड करंतु आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो तो याको सॉल्व करबे आर रो वैल्यू पाइबे वन प्लस माइनस रुट फाइव डिवाइडेड बाय टू एति के आपण माने पाइबे। ठीक अछि तो बट सी आमको कौन कही क्वेश्चन सब टर्म्स गुड़ाक पॉजिटिव ताने कॉमन रेशियोटा भी पॉजिटिव आस तो कॉमन रेशियोटा पॉजिटिव हम ताने वन प्लस रुट फाइव डिवाइडेड बाय टू एटा हम आर रैल्यू के नेगेटिव हो पार्वन ताने माइनस टू को आम नेग्लेक्ट करवा तो ऑप्शन बी हिज यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे क्लियर हो गला समस्त को तापर आस जा नेक्स्ट क्वेश्चन को 89 नंबर क्वेश्चन से कौन कौन देखो द इंटरवल इन व्हिच वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रो पावर माइनस एक्स इज इनक्रीजिंग को इंटरवल रेटा इनक्रीजिंग हम वाई इज इक्वल्स टू आमको दिखाई एक्स स्क्वायर ई रो पावर माइनस एक्स तो इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने आम डेरिवेटिव करवा तो यार डेरिवेटिव के 2x ई रो पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर ई रो पावर माइनस एक्स। ठीक अच्छे ये प्रोडक्ट रूल लगे तापर कौन करेंगे ये आप देखते ई रो पावर माइनस एक्स को कॉमन नहीं पारे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर पाइले बट आपने जानी थे कि ई रो पावर माइनस एक्स तो कौन हुए ना केवे भी नेगेटिव हुए ना। ठीक अच्छे सब बड़े पॉजिटिव हुए किंबा ए टर्म टा केवे भी जीरो भी हो पारे ना कहीं जब आप लिखे ई रो पावर माइनस एक्स को वन रो वन डिवाइडेड बाय ई रो पावर एक्स आसो तो यहाँ के जीरो हम कि जीरो हम जदि ई एक्स जगह जीरो भी रखीदे तथापि ये जीरो हम वन आस। ठीक अच्छे तमें ये टर्म्स टा के जीरो आमको दरकार कौन क्रिटिकल पॉइंट पर या जीरो करवा तो ये टर्म टा तो जीरो हमें तो जीरो किए हम तो 2x - x² तो 2x - x² को जीरो कले ये आपने एक्स कमन नहीं जाए तो आप x - 2 इज इक्वल्स टू जीरो तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड टू पाइले तो ये दुटा हो गला क्रिटिकल पॉइंट तो या आपने वर्तमान नंबर लाइन में प्लट करूँ एंड साइन टेस्ट करूँ जीरो टू एठी आपण माने गोटे वैल्यू नहीं जानतु 3 नहीं जानतु एठू गोटे वैल्यू नहीं जानतु 1 एठू गोटे वैल्यू नहीं जानतु -1 तो एठी पुट करके देखंतु y डैश रे। ठीक अछि मींस
এই ভ্যালুটা কু পুট করি দেখুন 2x মাইনাস এক্স স্কোয়ারটা ঠিক আছে কো জায়গায় পজিটিভ আসছে কো জায়গায় নেগেটিভ আসছে যদি 3 রখিবা কেতে আসবে 6 মাইনাস 9 দ্যাট ইজ নেগেটিভ ভ্যালু পাইলে তো এটি যদি নেগেটিভ তার পাখ টার্মটা কোণ হবো পজিটিভ হবো এন্ড তা পাখটা নেগেটিভ হবো পজিটিভ কোটি আসলে এইটি পজিটিভ আসলে পজিটিভ এইটি আসলে মানে এই ইন্টারভাল রে কোণ হবো এটা সবুবেলে ইনক্রিজিং হবো তার মানে ইনক্রিজিং কোটি হবো 0,2 রে ইনক্রিজিং হবো তো অপশন ডি হিজ বই আর কারেক্ট আনসার 0,2 ওকে তো অপশন ডি হিজ বো 89 নম্বর কারেক্ট আনসার তারপরে যা নেক্সট কোশ্চেন কু 90 নম্বর কোশ্চেন কু 90 নম্বর কোশ্চেন কোণ দিয়েছে দেখুন 90 নম্বর কোশ্চেন বহুত সিম্পল কোশ্চেনটা এ মনোয়েড ইজ কল্ড এ গ্রুপ তো আপনার জাঁথে আমার চারটা সেকশন থাকে গোটে হচ্ছে কোয়াসি গ্রুপ আউ গোটে হচ্ছে কোণ সেমি গ্রুপ আউ গোটে হচ্ছে কোণ মনোয়েড আউ গোটে হচ্ছে গ্রুপ এই চারটা সেকশন থাকে আউ গোটে হচ্ছে এবিলিয়ান গ্রুপ তো কোয়াসি গ্রুপ সি খালি স্যাটিসফাই করে ক্লোজর প্রপার্টি কু সেমি গ্রুপ স্যাটিসফাই করে ক্লোজর প্লাস এসোসিয়েটিভ কু স্যাটিসফাই করে এন্ড মনোয়েড স্যাটিসফাই করে ক্লোজর এসোসিয়েটিভ এন্ড আইডেন্টিটি কু স্যাটিসফাই করে বট গ্রুপটা কাহা কু স্যাটিসফাই করে ক্লোজর কু স্যাটিসফাই করে এসোসিয়েটিভ কু স্যাটিসফাই করে আইডেন্টিটি কু স্যাটিসফাই করে প্লাস ইনভার্স কু স্যাটিসফাই করে তো সে কোচি মনোয়েড যে আমাকে দিয়া হইতো সে মনোয়েডটা গ্রুপ কতবে হবো যেতবে সে ইনভার্সটাকে স্যাটিসফাই করবে কিনা না বাকি তিনটা তো সে নিজেই স্যাটিসফাই করুছি তো ইনভার্স প্রপার্টিটা কোণ কহে ইনভার্স প্রপার্টিটা কহে যদি আমি এ গোটে এলিমেন্ট নেইছে এ সহিত যদি সপোজ করুন আমি বি র অপরেশন কলে বাইনারি অপরেশনটাকে স্টার রে ডিনোট করা যায় এ বাইনারি অপরেশন বি তো আমাকে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট মিলবা দরকার এইটাকে হি কোয়া যায় ইনভার্স প্রপার্টি ঠিক আছে তো তাহলে এটা আমাকে কোটি দিয়েছে দেখুন এ স্টার সি ইজ ইকুয়ালস টু সি স্টার এ ইজ ইকুয়ালস টু আইডেন্টিটি এলিমেন্ট দ্যাট ইজ অপশন ডি রে আমাকে দিয়েছে তো এই প্রপার্টিটা স্যাটিসফাই কলে কোণ হয়ে গ্রুপ হয়ে যাব সিম্পল জিনিস আপনার সে কোশ্চেন দিয়েছি ডেফিনেশন রই কোশ্চেন দিয়েছি ওকে তো তাহলে অপশন ডি হয়ে যাব 90 নম্বর কারেক্ট আনসার তারপরে দেখুন নেক্সট কোশ্চেন কোণ দিয়েছি 91 নম্বর কোশ্চেন এটি দেখি পারবে আপনার দ্য ভেরিয়েন্স অফ 20 অবজরভেশন ইজ 5 ঠিক আছে আমাকে 20টা অবজরভেশন র ভেরিয়েন্স দিয়েছে 5 তো সে কোচি কি ইফ দ্য ইচ অবজরভেশন ইজ মাল্টিপ্লাইড বাই 2 যদি প্রত্যেক অবজরভেশন কু 2 রে মাল্টিপ্লাই করিবা তো সে কোচি ফাইন্ড দ্য ভেরিয়েশন অফ দ্য রেজল্টিং অবজরভেশন তো যো রেজল্ট আমার মিলিব সে রেজল্ট র অবজরভেশন মিন্স ভেরিয়েন্স টা কোন হব ঠিক তো ভেরিয়েন্স র ফর্মুলা কোন হইতা ভেরিয়েন্স টা কু মু যদি ভি রে ডিনোট করিবি ইয়ার ফর্মুলা হইতা 1 বাই এন সামেশন এক্স আই মাইনাস এক্স বার র স্কোয়ার তো এক্স আইটা হচ্ছে অবজরভেশন আউ এক্স বারটা হচ্ছে কোণ মিন মিন অফ দিস অবজরভেশন বা যাকে আমি এভারেজ বলি কইতো তো এটি এন র ভ্যালুটা হচ্ছে 20 আউ ভি র ভ্যালুটা হচ্ছে 5 কোশ্চেন এই গিভেন আছে তো 5 ইজ ইকুয়ালস টু 1 বাই 20 সামেশন এক্স আই মাইনাস এক্স বার র হোল স্কোয়ার হয়ে যাব তো এটি 20টা মাল্টিপ্লাই করিদেলে আপন মানে পাইবে সামেশন এক্স আই মাইনাস এক্স বার র হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 100 পাইলে ইয়েস অর নো এটা পাইলে সে কোশ্চেন রে কুচি কোণ কোশ্চেন সে কুচি যদি আমি প্রত্যেক অবজরভেশন কু 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করিদেবা তো আমি নিউ অবজরভেশন পাইবা দ্যাট ইজ ওয়াই আই মু যদি লিখিলি তো সেটা কোণ হইব 2 ইন্টু এক্স আই হইব তো তার মিনটা বি কোণ হইব আপন মানে যে অবজরভেশন নেইছন্তি তো তার যে যাহা বি আপন মানকৰ মিন থিলা তো তার ডবল মিন হইব ইয়েস অর নো তো আমি এইথ্রু যদি বাহার করিবা দেখন্তু এক্স আই র ভ্যালুটা বাহার করিবা তো এক্স আই টা তাহলে কোণ আসিব ওয়াই আই ডিভাইডেড বাই 2 আসিব না নাই আসিব তো ইয়াকু আমি লিখি পারিবা তাহলে সামেশন ওয়াই আই ডিভাইডেড বাই 2 এন্ড এক্স বারটাকে আমি কোণ লিখি পারিবা ওয়াই বার ডিভাইডেড বাই 2 র হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 100 লিখি পারিবা তো এথ্রু আপন মানকৰ 1 বাই 2 র হোল স্কোয়ারটা কমন পড়িব তো 1 বাই 2 র হোল স্কোয়ার সামেশন কোণ আসিব ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই বার র হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু আপন পাই গলে কেতে 100 পাই গলে তো আপন মানে সামেশন ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই বার র হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু কেতে পাই যাবা 100 ইনটু 4 দ্যাট ইজ 400 পাই যাবে ইয়েস অর নো তো আমি 400 পাই গলে বট আমাকে দরকার কোণ ভেরিয়েন্স দরকার তো ভেরিয়েন্স পাই আমি 1 বাই এন টাকে ডিভাইড বি তো করিয়া কো পড়িবো তো 1 বাই এন মানে কেতে হইব 1 বাই 20 কর দিওন তো এটি আপন মানে পাইবে কেতে ভ্যালু 20 পাইবে তো 20 হিজ বাই আর নিউ ভেরিয়েন্স বা রেজাল্টিং ভেরিয়েন্স দ্যাট ইজ অপশন বি রে দেয়া হইছে 20 তো অপশন বি হিজ বাই আর কারেক্ট আনসার ঠিক আছে তারপরে যাবা নেক্সট কোশ্চেন কো দেখন্তু 92 নম্বর কোশ্চেন কো 92 নম্বর কোশ্চেন আমকো কোণ দেইছি ওকে 92 নম্বর কোশ্চেন আমাকে দিয়েছি দেখুন এ পয়েন্ট আর উইথ দ এক্স কোঅর্ডিনেট 4 লাইজ অন দ্য লাইন সেগমেন্ট জয়নিং দ্য পয়েন্ট পি এন্ড কিউ পি আউ কিউ কু যদি আমি জয়েন করিবা সেমানকৰ যাহা বি আমি লাইন সেগমেন্টটা পাইবা সেই লাইন রে আর পয়েন্ট কোন করুছি লাই করুছি তো সে কোচি ফাইন্ড দ্য কোঅর্ডিনেট অফ দ্য পয়েন্ট আর আর র কোঅর্ডিনেট কাড়িবা কেমতি কাড়িবা
फर्स्ट पिक्यूरो इक्वेशन रे काढ़ी दियंतु तो इक्वेशन कौन है जब दीटा जब पॉइंट जाए तार इक्वेशन कौन हुए एक्स माइनस एक्स वन दैट इज टू डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन एट माइनस टू इज सिक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन दैट इज थ्री हेजब ठीक अच्छे डिवाइडेड बाय के जीरो माइनस अफ माइनस थ्री दैट इज थ्री इज इक्वल्स टू के आपजे जेड माइनस फोर दैट इज जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन टेन माइनस फोर हो सिक्स ठीक तो यहाँ आम पाईगले तो दिस इज इक्वल्स टू जदि आपी पुट करेंगे तो यूर आप देखते एक्स कोऑर्डिनेटटा पाइबे सिक्स टी प्लस टू एंड एक्स कोऑर्डिनेटटा आमको देखिए कैसे फोर दे तो आपी रैल्यूटा पाइबे के देखते फोर माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स तो आपगले वन बाय थ्री टी रैल्यूटा पाई सारापर आम काढ़ कौन वाई कोऑर्डिनेटटा काढ़ तो वाई कोऑर्डिनेटटा कौन आसे देखो थ्री टी माइनस थ्री आसो ना ना तो यू आपजे देखते टी जगह वन बै थ्री रखिले थ्री इंटू वन बै थ्री वन आसो माइनस थ्री दैट इज माइनस टू तो वाई रैल्यू पाईगले जेड रैल्यूटा के आसो देखते सिक्स टी प्लस फोर दैट इज टू प्लस फोर के सिक्स होगा एक्स रैल्यूटा पाइले फोर वाई रैल्यूटा पाइले माइनस टू जेड रैल्यूटा पाइले सिक्स तो यहाँ कौट दी ऑप्शन बी रे दी ऑप्शन बी हिज यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 93 नंबर क्वेश्चन आमको कौन देखिए देखो इफ द लाइन्स एटा हूँ गोटे लाइन्स इक्वेशन एंड एटा हूँ आउ गोटे लाइन्स इक्वेशन एम दीज कौन अच्छा पारलेल अच्छा तो जिते भी दुटा लाइन्स पारलेल हुए से जो तल भैल्यूटा थाए एम जिते आपने कौन करेंगे रेसीो ने रेसीोटा कौन हुए इक्वाल हुए ठीक अच्छे तो ये आपसीो काढ़ देखते फोर लैम्डा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री इज इक्वल्स टू कौन हम फोर बै फाइव म्यू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू के माइनस एटीन डिवाइडेड बै सिक्स ठीक तो या आपड़ी सल्व करेंगे कैसे पाइबे तो माइनस थ्री पाइबे ना नहीं माइनस थ्री पाइबे तो यूँ जब आम लामडार भैल्यूटा काढ़ा तो देखो फोर लामडा प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस थ्री दैट इज नाइन हो तो लामडार भैल्यू आम के पाइबा टू पाइबा नाइन माइनस वन हो एट एट डिवाइड बै फोर हो टू ठीक अच्छे लामडा पाइले टू से भाया जब आम म्यू काढ़ तो म्यूर भैल्यूटा के देखो फोर इज इक्वल्स टू या मल्टीप्लाय कर दिखाँ आप फिफ्टीन म्यू प्लस नाइन ठीक अच्छे तो माइनस फिफ्टीन म्यू इज इक्वल्स टू पाइबे माइनस फाइव तो आपठू जब म्यूर भैल्यूटा काढ़े के माइनस फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फिफ्टीन दैट इज इक्वल्स टू वन बै थ्री तो लामडा हो गला टू म्यू हो गला वन बै थ्री तो आपर भैल्यूटा के टू कमा वन बै थ्री दैट इज ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे बुझी आसला तापर देखु नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन आमको कौन दे ठीक 94 नंबर क्वेश्चन या दे गोटे मिनिट 94 नंबर क्वेश्चन आमको कौन दे देखु ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट If the circle makes one complete roll on x-axis along the positive direction of the x-axis, find its equation in new position. ठीक अच्छे भलसे बुझे आमको गोटे कौन दिखाई आमको गोटे सर्कल दिखाई से सर्कल रेडियस हूँ के 5 सेंटीमीटर से टच करुच्ची क्या टच करुच्ची आप x-axis और y-axis को तमें x-axis रे डिस्टेंस के 5 यूनिट y-axis रे डिस्टेंस के 5 यूनिट तार सेंटर के 5.5 ठीक तो सीए जिते कौन करना रोल कर एक्स एक्सीस ठीक अच्छे थे रोल कर मानने तार जी पेरीमिटर से डिस्टेंस जीव जदि रेडियस होते 5 तो तार पेरीमिटर के 2πr ताने आम कहीपर 10π ठीक अच्छे ये सी आग को बढ़ो तो जदि से आग को बढ़ला एक्स एक्सीस वाई डिस्टेंसटा तो तार सामान रे ए डिस्टेंसटा तो सामान रट एक्स डिस्टेंसटा बढ़ीज ना नहीं बढ़ीज केते बढ़ जाव 5 थिला प्लस 10π हो गला ठीक अच्छे ता माने तार सेंटरटा वर्तमान केते हे जबो एक्स कोऑर्डिनेट हे जबो 5 प्लस 10π हे जबो तार एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ता केते आसबो वाई कोऑर्डिनेट ता 5 आसबो तो सेंटर पाई सरला पोरे जदी आपण मन को गोटे सर्कल रो सेंटर जणा छि ताले तार इक्वेशन केते हेते सर्कल रो इक्वेशन एक्स माइनस एच रो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हेते तो ये देखते पुट करूँ एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट हो 5 प्लस 10π तार होल स्क्वायर ठीक अच्छे प्लस वाई माइनस 5 रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेशियो दैट इज 5 रो स्क्वायर तो ये हो सर्कल रो इक्वेशन ये कौट दिखाई ये आमको दिखाई ऑप्शन सी रे तो ऑप्शन सी हो यार कौन करेक्ट आंसर ठीक तो ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर
ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ 95 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ 95 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଉ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି। ଓକେ, 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ ଦେଇଛି 95 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଆପିୟର ଇନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ। ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମରେ ଆପିୟର କଲେ, ଦ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଇଜ 0.5, ତାମାନେ ପି ଅଫ୍ ଏ ଆମକୁ ଦେଇଛି 0.05। ନେକ୍ସଟ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ବି ର କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଦେଇଛି ଆମକୁ 0.1, ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ବୋଥ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ତାମାନେ ପି ଅଫ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଦେଇଛି କେତେ 0.02 ଦେଇଛି। ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଦାଟ ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ନଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ, ତାମାନେ ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। ତ ଯଦି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଡିମୋର୍ଗାନ୍ସ ଲୋ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ଡିମୋର୍ଗାନ୍ସ ଲୋ ଲାଗୁଛି ମିନ୍ସ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ 1 - ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି କାଢ଼ିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, କାଢ଼ିପାରିବେ। ଏ ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବି ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟିକୁ ଆଡ୍ କରିବେ, ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କୁ ମାଇନସ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି କେତେ ଆସିବ ତାହେଲେ 0.05 ପ୍ଲସ୍ 0.1 ମାଇନସ୍ 0.02, ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ କେତେ ତାହେଲେ 0.13, ଏତିକି ପାଇବେ। ତ 1 - 0.13 ଯଦି କରିବେ କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ, 0.87 ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଅପସନ୍ ସିରେ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, 96 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 96 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟିର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। 96 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ 1 - କୋସ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫା ମାଇନସ୍ କୋସ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ 4 ଆଲଫା, ୟାର ଭାଲ୍ୟୁଟା କାଢ଼ିବା। ୟାର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ସାଇନ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫାର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଠିକ୍, ତ ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଇଜି ଅଛି, ବହୁତ ହି ଆରାମସେ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା। 1 - କୋସ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫା, କୋସ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ, 1 - ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫା ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ, ଲେଖିପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କସ୍ ର ପାୱାର 4 ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ, କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫା ତାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଲେଖିପାରିବେ। ତ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫାଟା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ, 1 - ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫା ତାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ ଆଲଫା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 - ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫା ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ତ 1 - ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫା ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଇନ୍ ଆଲଫା ପୁଟ୍ କରିପାରିବା। ତ ୟାର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 - ସାଇନ୍ ଆଲଫା ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫା ଆସିଲା। ଠିକ୍, 1 - ତ ଏଠି ମାଇନସ୍ଟା କମନ୍ ନେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ କେତେ, ସାଇନ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫା ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଲଫାର ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ଅଛି, 1 ଅଛି। ସୋ 1 - 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା, 0 ଆସିଲା ନା ନାହିଁ, ଆସିଲା, ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଗଲା କେତେ, 0 ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତାହେଲେ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଟିକ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ, ଅପସନ୍ ଏଟା ଟିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 97। ଠିକ୍, 97 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଫ୍ ଆଲଫା ଆଣ୍ଡ ବିଟା ଆର୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏ କୋସ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି, ତ ସେ କହୁଛି ସାଇନ୍ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବିଟାର ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଭଳିଆ ଏଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ଏଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରେଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେବ। କେମିତି ଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କସ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ସି ମାଇନସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଥିଟା, ୟାର ସ୍କୋୟାରିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍କୋୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାରିଂ। ତ ଆପଣ ପାଇବେ କେତେ, ଏ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବି ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ 2 BC ସି ସାଇନ୍ ଥିଟା ଆମେ ପାଇବା ନା ନାହିଁ, ପାଇବା। ଏଣ୍ଡ କୋସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ତ ଏଇଟା ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ, ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଏ ଇଣ୍ଟୁ 1 - ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଆମେ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିବ, ଏ ମାଇନସ୍ ଏ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ଟର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ବି ଆଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଠି ଆନ୍ସର୍ଟା ଲେଖୁଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବି ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆସିବ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ସରି ମାଇନସ୍ ବି ସି ସାଇନ୍ ଥିଟା ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏ ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ତ ଏ ସ୍କୋୟାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ। ଠିକ୍, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଲା, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ବି ସ୍କୋୟାର ଏ ସ୍କୋୟାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବି ସ୍କୋୟାର ଏ ସ୍କୋୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ।
तापर ए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आम पाइले ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कौन अल्फा और बीटा हूँ कौन रूट्स अल्फा बीटा जो रूट्स ताने आम सपोज करूँ साइन अल्फा करवा भी आमको जीरो मिले जदि आम सपोज करूँ साइन बीटा रखा ताल भी आमको जीरो मिले ठीक अच्छे सो साइन अल्फा साइन बीटा हो कौन रूट्स हो सी प्रडक्टा पचार तो दुईटा रूट्स प्रडक्ट कौन होता है मत कहु दुईटा रूट्स प्रडक्ट होता है सी बै ए तो ये सीटा के सीटा हूँ सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एटा के एटा हूँ बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर तो यहाँ हो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ये कौटे दिखाई ऑप्शन सी रे दिखाई तो ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर बुझी आसा तो यह आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके या सॉल्व करें तो 97 नंबर क्वेश्चन रो सॉल्यूशन हो गला तापर जब 98 नंबर क्वेश्चन तो 98 नंबर क्वेश्चन देखो मेंसुरेशन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ठीक अच्छे देखापी कॉम्प्लिकेटेड देखा बट सिंपल क्वेश्चन देखो कौन कौन ए सिलिंडर ऑफ हाइट 31 सेंटीमीटर एंड बेस दिखाई रेडियस 7 सेंटीमीटर यहाँ हूँ गोटे सिलिंडर जार कि हाइट दिखाई के 31 सेंटीमीटर आउ तार रेडियस सॉरी बेस रेडियस देते 7 सेंटीमीटर तो यार जब आप कौन काढ़े टोटल सरफेस एरिया काढ़े टीएसए काढ़े तो टोटल सरफेस एरिया रो फॉर्मूला के 2 पाई आर मल्टीप्लाइड विथ आर प्लस एच होता है तो टोटल सरफेस एरिया मुझे कहीं काढ़ुची से बर्तमान एक्सप्लेन भी करदेवि ठीक अच्छे देखो कौन आसो ये आपाय जगह 22/7 रखु आर जगह आपने 7 रखु एंड एच जगह 31 रखु तो या मल्टीप्लाई कर सारा आपने भैल्यूटा पाए 1672 तो यहाँ होगा टोटल सरफेस एरिया बर्तमान बुझानु से कौन कौन ए हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस इज इक्वल्स टू द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलिंडर तमें गोटे हेमिस्फीयर अच्छी जार कि बेसटा सिलिंडर बेस सहित सामान आ तार रेडियस हूँ 7 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम वन एंड तो एथरो आम कौन कले गोटे हेमिस्फीयर काटिके नहीं गले जदि हेमिस्फीयर काटिके नहीं गले ताने तार टोटल सरफेस एरिया आम कौन कले गोटे हेमिस्फीयर बाहर करदे तो हेमिस्फीयर भी आमको दरकार कौन टोटल सरफेस एरिया तो हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया के आसो रेडियस आम पाइले के 7 सेंटीमीटर तो तार टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला हूँ 3πr² स्क्वेयर तो ये आपने आर जगह रखिए जब 7 आउ पाई जगह रखिए 22/7 तो ये भैल्यू आसो 462 बुझी आसा तापर नेक्स्ट से कौन कौन कि फ्रॉम द वन एंड एंड ए कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट इज कट ऑफ ठीक अच्छे तो रिमेनिंग पार्ट रु आम कौन कले गोटे कोन काटिले जार कि मैक्सिमम हाइट ठीक अच्छे मैक्सिमम हाइट के जदि मु सपोज करूँ 7 सेंटीमीटर जाकि काटिदेली तो 31 थिला तार हाइट से 7 पलैगला तो रही कि हाइट बर्तमान हो गला 24 तो मैक्सिमम आम 24 हाइट जाकि काटिपर तो एपटू आम कौन कले 24 हाइट जाकि काटिदेले तो आम पाइले के देखो कोन रु आम हाइट पाइले 24 आउ रेडियस तो आम 7 हम ठीक तो यार बर्तमान देखो टोटल सरफेस एरिया के आसो टोटल सरफेस एरिया कह रोन रु तो कोन रो केते आसबो ताले फॉर्मूला होची तारो पाई आर मल्टीप्लाइड विथ आर प्लस एल ठीक तो ये एल टा कौन एल टा होची स्लैंट हाइट केमती काढ़ी पारे देखो एल इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट हम तो ये आपने आर जगह 7 रो स्क्वायर करूँ 24 रो करूँ तो ये आपने 625 दैट इज 25 रो स्क्वायर रूट ठीक अच्छे तो एल जगह 25 तो बर्तमान ये जब आपने वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपने यार टोटल सरफेस एरिया 704 तो आम कौन कले ना टोटल जो आमर थिला कौन सिलिंडर सिलिंडर आम हेमिस्फेयर काटिले आउ कोन काटिले तापर जो आपर बंची जब बड़का पार्टा रही है से बड़का पार्टर से पचार कर्व्ड सरफेस एरिया तो भितर पटे भी रही बाहर पटे भी रही तो टोटल सरफेस एरिया से काढ़ागला ठीक अच्छे तो टोटल सरफेस एरिया तालोले कौन आसो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू आसो 1672 माइनस 462 माइनस 704 तो दिस इज इक्वल्स टू आपने पाए 506 सेंटीमीटर स्क्वायर पाए ठीक अच्छे सो दैट इज ऑप्शन ए हिज यार करेक्ट बुझी आसा तापर जा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 100 नंबर क्वेश्चन तो 99 नंबर जो क्वेश्चन रही है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रही तो तार आंसर टा मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जनईदेवि आपने देखिपारे ओके तो बर्तमान आम 100 नंबर टा देखा 100 नंबर में कौन आसो देखो यार डिटरमिनेंट से आमको पचार एथेरे गोटे जिनस आमको देखु एक्स रैल्यूटा देखिए बट ये आपड़ देखिए एक्स आम ये कौन सी कम रही ना एक्सटे को आम कौन करवा कहीं तो एक्स आमको दिहाई ना तो ये आपने एक्स जगह थीटा लिखिदेवे ठीक अच्छे ये से क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक कर देती
वर्तमान यार डिटरमिनेंट आपण मैंने काढ़ ए डिटरमिनेंट कौन आसो देखो ओपेन करूँ तो आपण मैंने ओपेन कले पाइबे वन इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा पाइबे माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा पाइबे एंड ता सहित कौन पाइबे वन मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन पाइबे तो ये पार्टा तो जीरो हो गला पूरा ठीक अच्छे माइनस साइन प्लस साइन जीरो हो तो टोटल जीरो हो गला तो आम पाइले के दुटा को एड करूँ दुटा को एड कले आप टू मल्टीप्लाइड विथ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बर्तमान देखो थीटार भैल्यूटा जब आम वेरी करवा कौन कौ जाए ना जीरो रू टू पाई जाए आम जब वेरी करवा तो साइन रो वैल्यूटा क्या क्या भितर लाइ कै माइनस वन रू वन भितर लाइ कै बट एटी जेहेतु आमको दिखाई कौन साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने वैल्यूटा आम कौन आस आसो ना ना वन आसो ठीक तो एटी तेल आम जदि सपोज करूँ साइन स्क्वायर जगह वन रखीद तो टू मल्टीप्लाइड विथ वन प्लस वन के टू आसो सो टू इंटू टू के फोर हो ठीक अच्छे फोर पाइले बाकी नेक्स्ट वैल्यूटा आपर कौन आसो नेक्स्ट वैल्यूटा देखो माइनस वन रू वन भितर जब आम जाठी गोटे जीरो भी तो वैल्यू आसो तो जब आम जीरो रखा साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूटा के जीरो आसो येस नो तो मुझे ये साइन स्क्वायर जगह जीरो रखी तो मुझे पाइबी कि टू मल्टीप्लाइड विथ वन इज इक्वल्स टू टू ता मैंने आमर मिनिमम वैल्यूटा है टू एंड मैक्सिमम वैल्यूटा है फोर ता मैंने आम डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 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 फोर ठीक अच्छे टू रू फोर भितर लाइक कर जदि आम थेटार भैल्यूटा चेंज कर तो डिटरमिनेंट भैल्यूटा भी टू रू आप बढ़ी बढ़ कि जीव ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर तेल कौटा हो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर बुझी आसला तो यहाँ थी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपर केमिस्ट्री आउ मैथ्स रो तो आई होप आप जिनसा बुझी आसो थैंक यू।